नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं एसके वर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग केमिस्ट्री विद एसकेवी। और हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें हम हमारे पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं, इनको हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। बेसिकली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि बॉन्ड बनने के लिए जब जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो एक ही स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कराती है शेयरिंग के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यहां आपको दिख रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ये ए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए प्रोवाइड कराती है और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम एरो से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जहां पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीसीज के यूज हो रहे हैं। जो स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन दे रही है उसको बोलते हैं डोनर, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लेविस का जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई भी कर सकते हैं, जो डोनर है वो लेविस बेस है और जो एक्सेप्टर है वो है लेविस एसिड। तो ये तो हुई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात, जिसमें बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीसीज प्रोवाइड कराती है, यस, जिसे हम डोनर बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हम लोग बात करते हैं, जिसमें हम लोग मेटल्स के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे, जिसमें मेटल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और उनको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती है। एक एग्जांपल लेते हैं बहुत सिंपल सा, जैसे यहां पे ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको यहां दिख रहा है, इसमें मेटल आयन कौन सा है, Fe, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो अपने इलेक्ट्रॉन देती है मेटल आयन को वो है H2O। H2O में हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर के रूप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये हुई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये अपने इलेक्ट्रॉन यूज करती है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में Fe के साथ। ये देखिए 6 H2O मॉलिक्यूल्स ने 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रखे हैं Fe के साथ और यहां पर ये बन गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जब इनकी स्टडी शुरू हुई थी तो इनकी स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं हो रहा था, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स नाम दे दिया गया। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपने देखा हुआ क्या, सेंट्रल मेटल एटम को कुछ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ने अपने इलेक्ट्रॉन देकर के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए। अब ये जो मेटल एटम है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि ये इसने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर है उसमें सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई किया है, जो 3D स्ट्रक्चर है उसमें सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई किया है Fe ने, इसलिए ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन जिसको बोल सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है इनका एक बहुत ही स्पेसिफिक नेम है, वो है लिगेंड। लिगेंड बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं और लिगेंड्स में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो फॉर्म में हो सकते हैं, या तो वो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में होते हैं जिस तरह से CN में हो CN-, या फिर वो लोन पेयर की फॉर्म में है जिस तरह से H2O या NH3 में होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं जिनको हम लोग बोलते हैं लिगेंड। ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करती है या मेटल आयन को देकर के उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती है। अब हम कुछ रिलेटेड टर्म्स की बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली न्यूट्रल भी हो सकते हैं या फिर आयनिक भी हो सकते हैं, दोनों तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकते हैं। और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं, जिस तरह से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये न्यूट्रल है, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल होने से हमारा मतलब है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब रहे आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, इसी को हम मॉडिफाई कर देते हैं, इसी की स्ट्रक्चर हम इसमें लिगेंड चेंज कर देते हैं, जैसे हमने किए Cl या यहां पे कर देते हैं CN6, तो इसके ऊपर ये आ गया चार्ज 4-, तो यहां पर ये जो है ये आयनिक कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, ये आयनिक स्पीसीज हो गई जो कि कोऑर्डिनेशन आयन है, और इसे हम लोग सोल्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सोल्ट फॉर्म में लिखेंगे इसका मतलब है कि ये जो चार निगेटिव आयन है वो चार पॉजिटिव आयन से काउंटर सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन सोल्ट, जिसमें हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो है निगेटिवली चार्ज, और इस तरह से कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है। एग्जाम्पल हम लोग इसका दूसरा ले सकते हैं, ये लीजिए, यहां पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारी क्या हुई, पॉजिटिवली चार्ज होगी, क्योंकि यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एज इट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर अपियर हो रही है, क्योंकि लिगेंड हमारे न्यूट्रल है। इसलिए अब ये जो है इसको भी हम सोल्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग इसको चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए 3-chlorine एड कर सकते हैं, तो यहां पर ये कोऑर्डिनेशन सोल्ट हो गया, जिसमें हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या हुई, पॉजिटिव हुई। इस तरह से कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें निगेटिव और पॉजिटिव पार्ट दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, जिस तरह से ये हम लोग देख सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है प्लेटिनम का NH3-4, इसके ऊपर होता है 2+ चार्ज, या चार्ज हम लोग यहां नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम इसको सोल्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, और ये हुआ प्लेटिनम Cl4। ये देखिए ये एक ही कोऑर्डिनेशन सोल्ट है, इसमें ये जो एंटिटी है वो पॉजिटिव है, इसके ऊपर चार्ज अब हम लोग शो करते हैं, इसके ऊपर +2 चार्ज है और इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो इस तरह से ये हुई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें दोनों ही पॉजिटिव पार्ट और निगेटिव पार्ट दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। ये एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन सोल्ट है, जिसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारी निगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे उसके ऊपर 4- चार्ज है। ये एक ऐसा कोऑर्डिनेशन सोल्ट है जिसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो न्यूट्रल है, जिसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग लेते हैं Fe(H2O)6 और Cl3। इसमें देखिए किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में स्पीसीज है इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर स्पीसीज है उसे हम बोलते हैं काउंटर आयंस। क्या बोलते हैं, काउंटर आयंस। ये काउंटर आयंस जो होते हैं वो आयनाइजेबल होते हैं, आयनाइजेबल से मतलब हमारा क्या है, पानी में डालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, या आयनाइजेबल पार्ट बोलते हैं इसको, तो ये 3-chlorine है वो अलग हो जाएंगे, तो ये आयनाइजेबल पार्ट है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो पार्ट बंद है, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो मेटल है और ये लिगेंड है, ये पानी में सेपरेट नहीं होते, इसलिए इसे ये हमारी जो पूरी है ये है हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है, ये आयनाइज नहीं होते हैं। इसके अलावा
ये जो आप देख रहे हैं Fe, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम हो गया। अभी हमने बात करी थी कि सेंट्रल मेटल एटम इसको क्यों बोलते हैं। ये स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं, इसने अपने इलेक्ट्रॉन देकर के इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड। ये हमारा लिगेंड है। और ये जो नंबर आप देख रहे हो यहां पर, ये नंबर यहां पर ये शो कर रहा है कि यहां पर लिगेंड H2O ने Fe के साथ छह जो हमारे लिगेंड